शुभ करता विघ्न विनाशन गणेश लीला, गणेश लीला। मैं सत्य हूँ। ऋषि मुनियों ने मनुष्यों को तीन श्रेणियों में बांटा था, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम सदा असत्य का सहारा लेता है और नारकीय जीवन जीता हुआ संसार से कूच कर जाता है। मध्यम सत्य का सहारा लेता है किंतु कोई विघ्न पड़ने पर असत्य वचन बोल जाता है, जबकि उत्तम पुरुष विघ्नों का सामना भी सत्य के साथ करता है, वो पुरुषार्थी कहलाता है। अतः आप भी मुझ सत्य का आसरा लें। मूर्ख इंद्र, तू इन स्वर्ग के सुविधा भोगी देवताओं के भरोसे मुझसे युद्ध करने आया है। तेरी भला इसी में है कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और स्वर्ग का अधिपत्य मुझे सौंप दे। मेरे शासन में तू इंद्राणी के साथ सुखमय जीवन बिता और तेरे इन पिछलघु देवताओं को किसी कार्य में लगाकर मैं इनका भी भरण पोषण कर दूंगा। देवांतक, तेरा काल तुझे यहाँ खींच लाया है। स्वर्ग के सपने छोड़कर तू अपने प्राणों की चिंता कर। वीर असुर सैनिकों, देखते क्या हो, इंद्र समेत इन देवताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। आक्रमण, आक्रमण! भाग गया कायर कहीं का। असुरराज जवान तक की, मावली जवान तक की। असुरराज जवान तक की, मावली जवान तक की। स्वर्ग राज विजेता महाराज देवांगत की जय। वीर असुर योद्धाओं, कायर इंद्र और उसके पिछलघु देवता युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए। अब इंद्रलोक पर हमारा अधिकार है, आप सावधान रहते हुए मौज मनाओ। अप्सराओं, अब हम इंद्रलोक के अधिपति हैं। युद्ध में थके हुए हमारे सैनिकों का मनोरंजन करो, जाओ और हमारे लिए मदिरा लेकर आओ। स्वर्ग राज विजेता महाराज देवांगत की जय। महाराज देवांगत की जय। देवांतक ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवगण स्वर्ग से पलायन करके पर्वत कंदराओं, घने जंगलों में छिपकर दिन बिताने लगे। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा और प्रजा पर हो रहे अत्याचारों से व्याकुल हो उठी। वो दुखी मन के साथ एक दिन पति महर्षि कश्यप के पास पहुंची। स्वामी, क्या बात है अदिति, बहुत चिंतित दिखाई दे रही, कोई विशेष बात है क्या? हाँ स्वामी, आप जानते हैं देवांतक और नरांतक के अत्याचारों से त्रिलोक में त्राहि त्राहि मची हुई है। देवांतक ने मेरे पुत्र देवताओं से देवलोक छीन लिया है। मेरे पुत्र इधर उधर छिपकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यज्ञ पूजा धर्म कृत्य सब बंद होने से देवगण क्षीण बल होते जा रहे हैं। स्वामी, अब आप ही कोई उपाय बताएं
जिससे देवांतक और नरांतक का विनाश हो और मेरे पुत्रों को कष्टमय जीवन से मुक्ति मिले। तुम्हारे पुत्र और त्रिलोक के कष्ट के निवारण का एक ही उपाय है। क्या उपाय है स्वामी? भगवान विघ्नेश्वर महागणपति की आराधना करो। हे विधाता, मैं आपकी शरण में आई हूँ। उन दैत्यों के अत्याचारों से मुझे मुक्ति दिलाइए प्रभु। देवी पृथ्वी, हम सब एकत्रित होकर उन दुष्ट नरांतक और देवांतक के अत्याचारों से मुक्ति के उपाय को सोच रहे हैं। आपके आने से पूर्व हम इस विषय पर ही विचार कर रहे थे कि त्रिलोक के संकट का निवारण कैसे किया जाए। हे देव, आप सब धैर्य धारण करें, धैर्य धारण करें। भगवान विनायक शीघ्र ही महर्षि कश्यप के यहां देव माता अदिति के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। वे दुष्टों का नाश करके साधु जनों का कल्याण करेंगे। त्रिलोकी को राक्षसों से मुक्त करके धर्म की स्थापना करेंगे। देवी पृथ्वी, अब आप भी कुछ समय के लिए धैर्य धारण करें। भगवान श्री गणेश शीघ्र अवतरित होकर आपके कष्टों का निवारण करेंगे। साक्षी हूं कि देवी अदिति ने अनेक वर्षों भगवान महागणपति की तपस्या पूर्ण आराधना में बिता दी है। ऋतुएं बदली, मौसम बदले, नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न हुए, किंतु देवी अदिति अपनी तप साधना में अडिग रही। दृढ़ संकल्प और पूर्ण निष्ठा के साथ
विधि विधान का पालन करते हुए की जाने वाली तपस्या निश्चित ही यथा समय मनवांछित फल प्रदान करती है। देवी अदिति, मैं वही हूं जिसके लिए तुमने वर्षों कठोर तपस्या और पूजा आराधना की है। देवी, मैं तुम्हारी तप और आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूं। देवी अदिति, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मुझसे अपना मनचाहा वरदान मांगकर अपनी तपस्या पूर्ण करो। मैं महागणेश साकार रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हे प्रभु, आप ही जगत के सृष्टा और पालन करता हो। अंत में ये सारा जगत आप में ही लय को प्राप्त होता है। प्रभु, आप सर्वेश्वर नित्य निरंजन प्रकाश स्वरूप और निर्गुण निराकार हो। राक्षसों के अत्याचारों से त्रिलोक में हाहाकार मचा हुआ है। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे पुत्र रूप में अवतार लेकर राक्षसों का दलन और सज्जनों का कल्याण कीजिए प्रभु। तथास्तु देवी माता अदिति। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लेकर दुष्टों का नाश करूंगा। महर्षि कश्यप के आश्रम में स्वयं नाना प्रकार की लीलाएं करूंगा। गणेश लीला।